अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। वसीर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक हैमर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड, ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये सिंगल कैंडलस्टिक से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये आपके चार्ट के बिल्कुल बॉटम पे बनेगी और इसको हम रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं और बहुत इजी है। इसको आप बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये किसी भी टाइम फ्रेम पे मिले तो ये वर्किंग करती है और आपको अच्छा प्रॉफिट देती है। तो चलिए फ्रेंड, इसको देखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद फिर चार्ट पे इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम हैमर को देखें कि हैमर की जो कैंडल है वो किस तरीके की होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हैमर की दो कैंडल हैं फ्रेंड और दोनों में मुख्तलिफ कलर हैं। सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि ये किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये काम तब अच्छा करेगी जब आपको बिल्कुल आपके चार्ट के बॉटम पे मिलेगी। वहाँ से अगर आपको ये मिले तो तब आप एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखें कि जो भी आपकी हैमर होगी, कम से कम ये बॉडी है, बॉडी से जो विक है कम से कम 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बॉडी से 2 टाइम होगी तो तब जाके हम इसको हैमर कहेंगे और तब ये अच्छी वर्किंग करेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड, इसके बारे में और चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें तो एक बुल रिवर्सल पैटर्न है, ये आपको जहाँ से भी मिलेगा यानी आपके बॉटम से मिलेगा और रिवर्सल पैटर्न होगा, आपने ये जहन में रखना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये रिट्रेसमेंट अगेंस्ट दी ट्रेंड। फ्रेंड, ये आपको ट्रेंड नहीं देता बल्कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसकी रिट्रेसमेंट देता है और ये जितनी भी अच्छी रिट्रेसमेंट देगा आप वहाँ से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ फ्रेंड ये है कि हैमर कैंडल डज नॉट टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये जैसे मैंने बताया कि आपको ये आपके ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं देता बल्कि आपको ट्रेंड में रिवर्सल देता है, यानी जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा होगा तो आपको रिवर्सल एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि जो भी फर्स्ट किया कि ये ट्रेंड चल रहा था और ट्रेंड के एंड में जहाँ पे ये यहाँ आपको हैमर नज़र आया वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल लिया और यहाँ से आप एक अच्छी रिवर्सल ले सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो फ्रेंड, इसको अब हम लाइव चार्ट पर जाकर देखते हैं। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ट लाइव मौजूद है वो है पाउंड वर्सेस यूएसडी डॉलर और हमने जो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट किया है वो H4 का है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये आपके बिल्कुल आपके चार्ट के बॉटम पे बना है और वहाँ से इसने ये हमें एक रिवर्सल अच्छी ट्रेड। ये आप देखें कि फ्रेंड यहाँ पे आपको एक हैमर की कैंडल मिल रही है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। इस तरह की अगर आपको कैंडल मिलती है आपके बॉटम के ऊपर तो तब आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये आपने जेहन में रखना है कि ये ट्रेंड की ट्रेड नहीं है जैसे मानता है, ये ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड है और जहाँ तक ये आपको प्रॉफिट दे वहाँ से आप प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से सीधी मार्केट अब नीचे आ रही है ट्रेंड की तरफ और यहाँ से रिवर्सल मार्केट ले रही है। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ यहाँ से एक अच्छा आप अच्छा प्रॉफिट लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरी चीज़ ये है कि जी ये जितना भी आपका पैटर्न अच्छा होगा, यानी पैटर्न मीन्स कि जितनी आपकी ये आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड की हो तो आप यहाँ तक भी अगर प्रॉफिट लें, क्योंकि यहाँ पे एक बिरेज बड़ी कैंडल बन रही है, यहाँ तक अगर आप लेते हैं तो 176 जो है यहाँ से पिप आपको आसानी के साथ यहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर यही आपको डेली का टाइम फ्रेम होगा तो इससे भी ज़्यादा आपको पिप मिल सकते हैं। H1 का होगा तो कम मिलेंगे, M30 का होगा तो उससे भी कम मिलेंगे। तो अभी हम और देखते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम में भी क्या वर्किंग करता है कि नहीं करता, ये भी देखते हैं हम। अभी हमारे पास जो चार्ट अवेलेबल है वो है USD CAD के साथ। USD वर्सेस CAD जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि आपके बिल्कुल चार्ट के बॉटम पे आपको दो ऐसे हैमर मिल रहे हैं जो यहाँ को आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है और यहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड, ये देखें
दो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपके हैमर नज़र आ रहे हैं, एक वन और दूसरा ये, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया और यहाँ तक आपको एक अच्छा, यानी कि एम फाइव में है, आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन फिर भी यहाँ तक, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है तो यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को ले जा सकते हैं। और ये पिप बनते हैं तकरीबन 32 पिप बनते हैं, यानी कि आपने देखा फ्रेंड कि ये एक ऐसी कैंडल है, सिंगल कैंडल है और बड़ी आसानी के साथ इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है कि ये कैंडल आपके बिल्कुल आपके चार्ट पे बॉटम पे बनेगी जो आपको रिवर्स ट्रेड देगी, दूसरा देखना है इसमें कोई कलर भी हो सकता है, और तीसरी चीज़ आपने फ्रेंड ये देखनी है एक जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो आपको जहाँ पे भी आपको जितनी आपको ये ट्रेड रिवर्स मिले वहाँ तक ले, उसके बाद आसानी के साथ यहाँ से निकल जाए। तो आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, आपको हैमर की पहचान होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हैमर दोनों कलर के हो सकते हैं, दोनों कोई भी कलर हो सकता है यानी कि, और इसकी बॉडी जो है उसके 2 टाइम बड़ा इसकी विक होनी चाहिए, और इसके बाद आप यहाँ पे वो आपको बॉटम पे मिले तो तब जाके आप ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जी फ्रेंड, तो ये थी एक बहुत सादा और सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपके साथ हमने शेयर की, आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा और जहाँ पे भी आपको ये हैमर मिलेगा वहाँ पे आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाके मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उनको देखें, वो उन कैंडल के अंदर आपको कोई हैमर नज़र आ रहा होगा जो बॉटम पे होगा, तो वहाँ से आप एक अच्छी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इस पे डेमो पे प्रैक्टिस करें और जो मैं वीडियो आपके लिए, जो ट्यूटोरियल आपके लिए बनाता हूँ, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें और हमारी जो ट्यूटोरियल है उसको लाइक किया करें, और जो नए फ्रेंड हैं हमारे जो यूट्यूब के जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा जो आवाज़ है उन तक पहुँचे और जो हमारा मैसेज है उन तक पहुँचे और मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो जो हमारे नए दोस्त हैं वो हमेशा की तरह हम बताते हैं कि ये एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से हमने जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, आप यहाँ से फ़ायदा उठाएं और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद अच्छी लड़ने के बाद अब तब जाके लाइव अकाउंट खोलें ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, आप कुछ सवाल इससे रिलेटेड कर सकते हैं जो हमारा ट्यूटोरियल होता है, हमारा फेसबुक का पेज है उसको लाइक कीजिएगा, जो नए दोस्त हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपके अच्छे अच्छे मशवरों से हम मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक में वीडियो बनाने में कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक साथ।